हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी उठ के ऊपर आया हूँ, फ्रेश वगैरह होके, और अब मैं थोड़ा काम वाम करने के लिए ऊपर आया हूँ। और राहुल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन राहुल अभी उठा नहीं है, और मैं थोड़ा काम वाम करूँगा। और सुबह का नज़ारा आप दोस्तों देख ही सकते हो, कितना ज़बरदस्त होता है। पंछी उड़ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। और गाइस, अब थोड़ा काम हम करके फिर नहा धो के दुकान के लिए निकलना है, वही अपना डेली का रूटीन। और ऊपर बैठ के दोस्तों शांति बहुत मिलती है। ये देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, और बारिश मेरे ख्याल से हुई थी रात में, इस चक्कर में मौसम और ठंडा हो रहा है, क्योंकि सर्दी आने वाली है तो मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। इस चक्कर में आदमी ऊपर नहीं सोता है, अब अंदर ही सोते हैं, क्योंकि बारिश भी होने लग गई है अब ज़्यादा, और मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों, फिर राहुल का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं वो कितनी देर में आता है। और अभी सब लोग सो रहे हैं नीचे, तो राहुल का फिर इंतज़ार करते हैं तब तक। और तब तक मैं अपना काम वाम कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे काम वाम करके। गाइस, राहुल आ गया है, और राहुल अब जा रहा है दुकान। राहुल है कचौड़ी पूड़ी। दोस्तों, राहुल बताना नहीं चाहता मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ। अब राहुल दुकान जा रहा है, और आज जल्दी जा रहा है ये, खैर अब कल से ये जल्दी जाने लग गया है दुकान पे। ये दुकान पे जाके बैठ के गाने सुनता है भगवान जी के। तो दोस्तों, मैं भी अब दुकान के लिए निकल रहा हूँ, मेरा भी काम ख़त्म हो गया है, और अब काम ख़त्म करके मैं भी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से दुकान पहुँच कर, और राहुल भी जा ही रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर दुकान पहुँच कर। फाइनली गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और अब निकल रहा हूँ दुकान के लिए। आज पूजा पाठ भी मैंने कर ली है, और आज चल रहा हूँ बाइक से, बाइक की चाबी ले ली है। और दोस्तों, मिलता हूँ दुकान पहुँच कर। बाइक अपनी रेडी खड़ी हुई है, अब दोस्तों मिलते हैं दुकान पहुँच कर। बाइक रेडी खड़ी हुई है, अब बाइक को साफ ऑफ करके निकलते हैं दुकान पहुँच कर, मिलते हैं दुकान पे गाइस। मैं दुकान जा रहा था तो फिर राहुल के पास आ गया मिलने के लिए, थोड़ा राहुल से काम था, और अब राहुल से मिल के थोड़ा कुछ खा पी के यहाँ से निकल रहा हूँ, और फिर पहुँच रहा हूँ दुकान पर, फिर मिलता हूँ आपसे दुकान पहुँच कर। राहुल भजन सुन रहा है, ये बॉक्स ले आया गाने वाला, और इससे ये भजन सुनता रहता है। दोस्तों, फिर इसके भजन सुनता हूँ 2-4 मिनट, और फिर चलता हूँ इससे मिलके, मिलता हूँ फिर आप लोगों से दुकान पहुँच के। राहुल का चेहरा बहुत उदास लग रहा है, देखो दोस्तों, ये बहुत कुछ सोच बिचारी में लगा पड़ा है, दुनिया की रीत में उलझ गया ये। अब ये निकल जाएगा रुदूर दुनिया की रीत से भजन सुन सुनकर, ये सन्यासी बनने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं गाइस, ये तो सब मजाक है, मिलते हैं दुकान पहुँच कर। गाइस, मैं दुकान पे पहुंच गया हूं, और अब वही अपना डेली का काम, झाड़ू वगैरह, पूजा पाठ करना, और पानी की बोतल लाया नहीं था तो मैंने किसी लड़की से मंगाई बोतल, और अब थोड़ा बाल बाल सेट कर लूँ, शीशा है लगाया हुआ छोटा सा, तो ये बाल बाल सेट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उड़ती रास्ते में, तो इस चक्कर में शीशा लगा रखा है अंदर। अब दोस्तों, पानी की बोतल लाया नहीं तो एक लड़की से मैंने पानी मंगाया है, तो पानी लेने गई हुई है, तो पानी लेके आ रही होगी, भी दिखाते हैं उस लड़की को आप लोगों से। और यह है मोहल्ले का नज़ारा, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। बाइक खड़ी हुई है, वही गली सुनसान,
आज 3-4 लोग जाते दिख रहे हैं, और वो बच्ची पानी लेके आ रही होगी। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को उस बच्ची से मिलवाता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आप लोगों से पूजा पाठ करके, और जो भी है पूजा पाठ कर लूँ, थोड़ा काम वाम कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए जो भी और भी कुछ भी बीच में होगा वो भी आपको दिखाता चलूँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से, जो भी आपको अपडेट होगी वो देता रहूँगा। आ गई है और लाइट भी आ गई है, पानी लेके आ गई है छोटी बच्ची, और देखो ठंडा पानी लेके आई है, और ये जा रही है अपने घर पे। अब दोस्तों छोटे छोटे बच्चे कितना काम कर देते हैं। दोस्तों अब करता हूँ सफाई वफाई और मिलता हूँ आप लोगों से छोटे ब्रेक के बाद। गाइस पूजा पाठ मैंने कर ली है, धूपबत्ती मंदिर में जल रही है, और मैंने एक पड़ोस में रहता है रौनक नाम करता है, धर्मशाला आ गई है। ये धर्मशाला में जो कार्यक्रम होने वाला है रामलीला का, उसके ये आए हैं कार्यक्रम करने के लिए, अभी जो पूछ रहे थे। और मैंने रौनक से मंगवाया था ये चाट, अब ये थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से लंच में। चाट आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये है ब्रेड और मिर्च, और इसमें पड़ी हुई मीठी चटनी और मसाले। खाता हूँ, इसका स्वाद लेता हूँ, मिलता हूँ फिर आप लोगों से लंच में। 1:10 हो गए हैं, और अब मुझे लग रही है भूख। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। आज कचौड़ी और पूड़ी लेके आया था राहुल, अपने घर से बनवा के लाया था आज कचौड़ी पूड़ी। खाना खाने जा रहा हूँ दोस्तों, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है दोस्तों। हवा चल रही है अच्छी से, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, और बहुत सी जगह पे बारिश भी हो रही है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कृष्णा है, तो वहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, और मौसम वैसे ही ठंडा हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। और वो ही डेली की तरह लूडो चल रहा है, और दिखा देता हूँ आपको लूडो कैसे हो रहा है, वही डेली का। गाइस लूडो चल रहा है, और ज़ोर शोर से बहुत लूडो चल रहा है, ज़ोर शोर से ये डेली खेलते हैं लूडो। और करे भी तो करे क्या भाई, बुढ़ापे में आदमी जॉब तो अपनी कर ली, कुछ ना कुछ तो गेम खेलना ही पड़ेगा, और इनका भी मनोरंजन होता है, और भी लोग जो होते हैं वो भी अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर खाना खा लेता हूँ, मिलता हूँ खाना खाने के बाद, और आप लोग भी खाना खा लीजिए। टाइम हो रहा है 5:30, और अब मैं दुकान से निकल रहा हूँ, और मौसम अभी बारिश होने लग गई थी, तो अभी बारिश हुई है, सड़कें सारी गीली पड़ी हुई हैं। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ, तो फिर मिलता हूँ घर पहुँचकर, देखता हूँ घर पे क्या हो रहा है। दोस्तों आजकल मौसम ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग सी होती है, दुकान पे आना है, काम करना है, घर पे निकल जाना है, काम आए तो कर लो, नहीं आए तो वो भी नहीं है। तो ज़िंदगी ऐसी ही आदमी की कटती है, आम आदमी की ज़िंदगी ऐसे ही कटती है, बेड़ी उठता है, काम पे जाता है, घर पे आता है, घर की जिम्मेदारियाँ, यही इसी में उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, और घर वालों के ताने। तो दोस्तों ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, और जो हिम्मत से रहता है वो उसकी ज़िंदगी कट जाती है, और जो नहीं हिम्मत रखता है वो चला जाता है। गाइस मिलते हैं घर पहुंचकर, देखते हैं घर पे क्या हो रहा है, रास्ते में जो भी होगा वो आपको दिखाते चलेंगे। तो फिर गाइस मिलते हैं घर पहुंचकर।
फाइनली गाइस मैं घर पे आ गया हूँ और अब खाना पीना खाने जा रहा हूँ और उसके बाद एडिटिंग करूँगा। और ये अपनी पीपी चला रहा है यहाँ पे। हाय कर दो, हाय कर दो। गाइस खाना पीना खा के एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के बाद सो जाना है क्योंकि नेट ख़त्म हो गया है। एक वीडियो एडिट करने में पूरा नेट ख़त्म हो जाता है दोस्तों, इसलिए एडिटिंग हो नहीं पाती ठीक से। और एडिटिंग 2GB नेट मिलता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों खाना पीना खाता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए एक ब्लॉग कल के लिए रेडी हो जाएगा। गाइस फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फाइनली गाइस खाना आ गया है। ये चने की दाल और ये है गोभी आलू रोटियाँ।